बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और जिनके हित में कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी विदित है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास मकसद से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपने पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, तो उन सब का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तथा इस मौके पर भी मैं उन्हें नववर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यह फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी।